हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में चल रहे YouTube वर्सेस TikTok का मामला तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन दोस्तों अब बैन TikTok से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जहां तक अभी YouTube वर्सेस TikTok सिर्फ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच की जंग थी, वहीं इस मामले में अब बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी है और बैन TikTok इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में परेश रावल और कुशाल टंडन ने भी चाइनीज ऐप TikTok पर बैन लगाने की मांग की है। दोस्तों, ये तो आपको भी पता ही होगा कि लंबे समय से देश में चाइनीज कंपनी TikTok को प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। कई लोगों ने इस TikTok ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट भी कर दिया। इसके पीछे एक पहला कारण तो यूट्यूब वर्सेस TikTok भी रहा, वहीं अब फैजल सिद्दीकी के नए वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। लोग एक बार फिर TikTok का विरोध करने पर उतर आए हैं और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि बॉलीवुड हस्तियों ने भी इसमें रुचि लेनी शुरू कर दी है। अब अभिनेता परेश रावल और कुशाल टंडन ने भी TikTok ऐप पर बैन लगाने की मांग की है। अभिनेता परेश रावल अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बैन TikTok नाम से एक पोस्ट किया है। परेश रावल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, वह हर सामाजिक और राजनीतिक विषय पर खुली छूट देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बैन TikTok। कई सोशल मीडिया यूजर्स और उनके फैंस उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक TikTok यूजर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि फेमस होने की चाह में TikToker अजीबोगरीब वीडियो बनाते हैं। फैजल के बनाए हुए वीडियो में उन्होंने एक लड़की पर तेजाब से हमला करते हुए वीडियो बनाया था। इस बात का संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने उन्हें विवादित वीडियो पर आपत्ति दर्ज की है और इसके तुरंत बाद वीडियो को हटा दिया गया है और उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, बॉलीवुड हस्तियों के अलावा बिग बॉस में नजर आ चुके फेमस TV कलाकार और गौहर खान के बॉयफ्रेंड रह चुके कुशाल टंडन ने भी TikTok प्रतिबंध की मांग की है। दोस्तों, बेहद नाम के एक TV शो में भी नजर आ चुके कुशाल का कहना है कि वीडियो शेयरिंग चाइनीज ऐप TikTok भारत में बैन हो, क्योंकि वह नहीं चाहते कि चीन को भारत से राजस्व मिले। इसके पीछे का कारण यह है कि वह कोरोना वायरस का दोषी चीन को मानते हैं। उन्होंने लिखा है, जब पूरी दुनिया चीन के कारण परेशान है, लेकिन फिर भी भारतीय उन्हें TikTok से राजस्व दे रहे हैं, जबकि चीन ने TikTok उन लोगों के लिए बनाया है जो बेकार थे, जिनके पास करने को कुछ काम नहीं था। और अब हम देख रहे हैं, सभी लोग TikTok पर हैं। इस TikTok पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, #TikTok लिखते हुए उन्होंने TikTok को भी टैग किया है। दोस्तों, YouTube वर्सेस TikTok का यह मामला इस हद तक तुल पकड़ चुका है कि हर कोई अब बैन TikTok के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। यूट्यूबर से लेकर TV कलाकार तक हर तरफ बैन TikTok की मांग उठ रही है। जहां कभी चाइनीज ऐप TikTok की रेटिंग प्ले स्टोर पर 4.9 की हुआ करती थी, वह अब गिरकर 1.3 पर आकर थम गई है। दोस्तों, आप TikTok बैन के समर्थन में हैं या नहीं, ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए यार, प्लीज़ वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।